इंसानों को रहस्यमय चीजें जानने की बेहद दिलचस्पी रहती है, और अगर रहस्य हिमालय से जुड़े हों तो बात ही कुछ अलग है। ऐसे ही एक रहस्य को जानने के लिए हम जा पहुंचे वी हिमालय के साथ रूपकुंड ट्रैक पे, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुग्याल है और है त्रिशूल पर्वत का कभी न भुलाने वाला नजारा। तो चलिए चलते हैं इस सफर में और आपको दिखाते हैं कैसा है रूपकुंड ट्रैक। हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम आ चुके हैं काठ गोदाम, और यहाँ से भाई पीछे ट्रेवलर में सामान पैक हो रहा है, साथ में को ट्रेवलर्स भी हैं, और यहाँ से हम जाएंगे आज रात में तो लोहा जंग जाएंगे वहाँ पे, आज रात में स्टे करेंगे, चिल करेंगे, और उसके बाद जैसा जो कुछ होता है आगे आपको दिखाते हैं। और भाई यार बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, क्योंकि ये मेरा पहला 16,000 फीट का ट्रैक होगा। इसके पहले हम तपास किया उस 14,500 था, तो वो ओके था, लेकिन ये 52 किलोमीटर का यार, 26 जाना 26 आना, कैसे हो पाएगा, जैसे हो पाएगा दिखाएंगे आपको। तो भैया जी, सुबह से काठ गोदाम से चल के अब पहुंच पाए हैं अपना लोहा जंग जो जगह है, और यहाँ पे छोटा सा होम स्टे हमारे पास में, और यहीं पे आराम से सामान रख दिया है। अभी हमारे जो ट्रैक लीडर, उन्होंने बोला कि आप ऊपर आओ, ब्रीफिंग करते हैं कल क्या करना है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं और उनकी बात सुनाते हैं, और उसके भाई उनके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा भाई, अदरवाइज तो हम तो हो नहीं पाएगा मुझसे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अभी। ओके सर, अभी रोको ट्रैक जैसे मैं इतने लंबे टाइम से करते हुए आ रहा हूँ, और एडवांस मेरा रोको ट्रैक की रात इस ने मुझे जुनून चढ़ा दी कि माउंटेन में कुछ काम करूँ, और माउंटेन के अंदर मैं जब घुसा और उसके वजह से मैं रोको ट्रैक यहाँ पे किया, और मेरा ये सबसे फेवरेट ट्रैक है। मुझे कहीं भी कोई दुनिया में कहीं नहीं जाए, मुझे रोको आए बिना चैन नहीं आया। एक हमारा सबमिट टाइम होता है, और जैसे हमको रोको सबमिट करना है और हमको जुना के लिए सबमिट करना है, तो जो एक वहाँ पर का वो टाइमिंग जो रहता है कि सुबह उठना है, नाइट में उठना है 1 या 2 बजे, और 3 बजे रात को हमको ट्रैक शुरू करना है, और सनराइज के टाइम पर हमको एकदम ऊपर पर पहुँचना है, तब जाके एक ट्रैक होता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोहागंज। और यार बहुत रात में बड़ी अच्छी सी नींद आई, और 2 बजे करीब सो गए थे, और ठंड ठीक ठाक थी, तो अभी सुबह हो चुकी है। अभी का प्लान ये है कि अपन यहाँ से पैकिंग कर रहे हैं भाई, हमारा पैकिंग और हृदय पैकिंग कर रहा है, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आराम से, और ब्रेकफास्ट कर लिया है थोड़ा सा, क्या मिला था, पराठा मिला था और दही मिला था, तो वो कर लिया है। अब यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको जो कुछ आगे होता है। क्या है केबल? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट केबल है। क्या ही की है? अच्छा, ये वो है पावर बैंक से केबल भाई। तो रोहित भाई बहुत सारा ऐसा जुगाड़ लेके आए हैं, जो ये छोटा सा बैग खरीदा है 250 रुपये का, और ये बैग बड़ा बहुत ज़रूरी है ट्रैक के लिए। तो भाई बड़ा बैग है वो तो पीछे रहेगा, एक छोटा बैग जहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना, जैसे चश्मा हो गया, चार्जर हो गया, और चॉकलेट्स घुसी हुई हैं इसके अंदर, और ही बहुत सारा सामान है। तो ये वाला बैग अपना आगे रखेंगे, ये वाला बैग मौसम से आगे डालिए, और जो कुछ होगा तो ऐसे छूते रहेंगे निकाल निकाल के। फ्रेंड्स हम लोग हेलो बोलो एक बार। हेलो। तो ये हमारे साथ के सारे ट्रैकर्स जो साथ में जाएंगे, और इससे इंट्रोडक्शन तो आगे करेंगे आपका। आज उधर के मस्त रोड आ गई है नीचे, और शायद वो जो सामने आपको गांव दिख रहा है वहाँ पे पहुँचना है अपने को आज। यही करीबन 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ हमारे साथी वो पीछे आ रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, और मज़ा आ रहा है क्या यार? इसके पहले पता है ट्रैक कब किया था? हम तो पास में करा था ट्रैक यार, तो हम तो पास को हो गया 2 साल 2.5 साल हो गया कोविड के टाइम पे, तो तब से ट्रैक तो करा नहीं है। बट बीच में जिम में गए थे ना, तो उससे फ़ायदा हो जाता है कि यार आप जिम में जाओ तो आपका थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप हो जाता है। अब ऑफिस वालों के चक्कर में जिम जा नहीं पाए, तो अब क्या करें? तो अब उसके बाद भैया दिक्कत तो होगी थोड़ी सी, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, जो होता है आपको। ऐसे तैसे कैसे आ गए, करीबन वही 1.5 किलोमीटर नीचे आए होंगे वहाँ से, और बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के बीच में आ गए। आपको पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, एकदम मस्त
कीड़े मकोड़ों की, बिल्कुल जैसे नहीं तो मैन वर्सेस वाइल्ड में होती है। और एक छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे, सारे जो साथ में फेलो ट्रेवलर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। छोटी सी वाटर स्ट्रीम यहाँ से बह रही है बगल से, और भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एडवेंचर। हाँ हाँ, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ आना बाकी है मेरे दोस्त, देखते जाओ। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करा हम लोगों ने बस आराम से, और देखो चारों तरफ यार बढ़िया हरे हरे, क्या बोलते हैं, छोटा सा मिडो काइंड ऑफ है, और पीछे बढ़िया से पहाड़ दिख रहे हैं। कल हम लोग को ऊपर दिखा यहाँ पे कैंप साइट अगर होती ना हमारी तो भाई स्वाद आ जाता, आराम से यही पड़े रहते। और अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, अब 10-15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब निकलने का टाइम आ गया है, और आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको। और ये बहुत ही सुंदर सी जगह आ गई भाई, थोड़ा काफ़ी खुली खुली छोटी सी नदी की स्ट्रीम ऊपर से आ रही है, जहाँ तक ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ लैंडस्लाइड अभी नहीं तो कभी हुई होगी। यहाँ देखिए स्ट्रगल चलता हुआ उतरने के लिए, काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है ये देखने में। तो भैया हाथ गंदे हो चुके हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा सीन था थोड़ा सा खतरनाक था। और निकलते हैं, छोटा सा रिवर है उसे क्रॉस करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। गलती नहीं करने का। राम 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 राम, राम कर रहा है। अरे जरा हल्ले हल्ले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। ओ किस बन जाऊंगा मैं, ओ अभी रुकना। हाँ अब एवरेंट की वजह से रास्ता टूट गया है पूरा, बाइक से बता रहे हैं कि सौ फीट कह रहे हैं रिवर तो क्रॉस करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा, 2 घंटा ज़्यादा वक्त लगेगा, पर कोई इशू नहीं है, सबका सेफ्टी पहले है, तो वही सोच के डिसाइड हुआ कि ऊपर से जाना पड़ेगा। साला हम लोग आए और ट्रिप में कलेश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कोई बात नहीं, 2 घंटे और सही। थोड़ा सा नीचे तक फोटोग्राफ कम करना है, ठीक है? हाँ हाँ, क्योंकि फिक्स रूट है और थोड़ा सा रिस्की है। नीचे क्या है वो तो? स्लिपरी है थोड़ा सा। स्लिपरी है थोड़ा सा। हाँ। जैसे कि बता रहे हैं कि रास्ता तो टूट गया है और जो नया रास्ता है बड़ा स्लिपरी है, तो कहने कैमरे हमने अंदर रख लो, कोशिश करेंगे कि भाई अगर दिखा पाएँ तो आपको दिखाएंगे किस कठिनाई से मन निकल रहा है। पीछे रास्ता टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है, आगे जाके दिखाओ। अभी दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं क्या टूटा हुआ है। लेट मी भाई, टूटा नहीं है, रास्ता ही नहीं है। लेट मी करेक्ट यू, रास्ता ही नहीं है। यू जाना कहाँ से है? तो भैया इस रास्ते से उतर के आए अभी यहाँ पे, और अभी अभी पता चला है कि नीचे तो रास्ता है ही नहीं, ये यहाँ पे कोई हल्की सी पगडंडी जा रही है, ये भसकी हुई पूरी, 2-3 लौंडे ना भसक जाए। तो यहाँ से जाना है ऐसे ऐसे करके, और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट लेवल एडवेंचर। और भाई रुपये कैसा लग रहा है? लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है अभी, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सोने वाला भाई। भैया फैले पड़े हैं बिल्कुल, और वो आपको झरना दिख रहा होगा, तो वहाँ जाना है आज, तो उसको देख के थक गया थोड़ा सा।
फाइनली गिरते पड़ते कैंप साइट भाई पहुंच गए हैं। और आज का दिन यार कहने को तो 6.5 किलोमीटर था, लेकिन यार थोड़ा सा हेक्टिक था मेरे हिसाब से यार, क्योंकि आखिरी में जहाँ पे वो नदी थी ना, उसके बाद भाई जो हाइक स्टार्ट हुई है और भाई चढ़ो 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 पूरे कुत्ते जैसी हालत हो गई है। कोई नहीं, सुबह का एक पराठा खाया हुआ है, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और जो होता है आपको दिखाएंगे। और बहुत ही सुंदर कैंप साइट है भाई, है सामने ब्रह्मताल की पीक भी दिख रही है जो उसका समिट होता है। हम लोगों को कल इसको क्रॉस करना है जो पीछे आपको पीक दिख रही है, इसके ऊपर अली बुग्याल है, उसके पीछे और भी है, नीचे छोटा सा गांव मिला था वो भी बड़ा सुंदर था यार। चलो जो होता है दिखाते हैं आपको, भी बहुत थकावट हो रखी है। और बोलो भाई खाना कैसा था भाई? बहुत बढ़िया था भाई, क्या खिलाया गया? दाल थी, चावल, पापड़ अचार, बहुत स्वाद आ गया। स्वाद आ गया, बिल्कुल बढ़िया। चाय नहीं बनाएंगे मुझे? लौंडे वेट कर रहे हैं। व्यू देखो, तब तो व्यू एंजॉय करो। देखो सनसेट इस पहाड़ी के पीछे हो रहा है, और जैसा आप देख सकते हो कितना सुंदर है। ओहो,